देयर इज अ साइकोलॉजिकल पुश, एक साइकोलॉजिकल पुश होता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को ट्रेडिंग करनी है, राइट, मैं सीखूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो दिस साइकोलॉजिकल पुश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसीलिए जो ईयरली लेवल है वो काम आते हैं। साथ ही साथ जब 31 दिसंबर खत्म होता है तो एक क्वार्टर एंड भी होता है तो वो भी काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो लेवल होता है वो मंथ एंड, क्वार्टर एंड, ईयरली एंड, डे एंड, वीकेंड, बहुत कुछ होता है, तो बहुत सारे साइकिल जो है एक साथ आते हैं। अभी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, हम तो ये जानते हैं कि प्राइस एक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट अगर आपकी प्राइस एक्शन के ऊपर मास्टरी है तो आप अच्छी तरह से स्टॉक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अच्छी तरह से स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन को ट्रेड करने में, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करने में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और हम इन चैलेंजेस के कारण प्राइस एक्शन की टेक्निक्स को फ्लॉलेसली अपने ट्रेड्स में, अपनी ट्रेडिंग में एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने इस तरह के कुछ 4-5 चैलेंजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए हैं, और हम इस एपिसोड में आपके साथ उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो चैलेंज होता है वो होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, वो हम आपके साथ इस एपिसोड में बात करेंगे। और मैं आपको कोई ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, मैं आपके साथ बहुत यूनिक तरीका एक डिस्कस करूंगा स्टॉक्स पे, क्रिप्टोस पे, कमोडिटीज पे, फॉरेक्स पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। और आप देखिएगा कि एक बहुत यूनिक और बहुत अलग अप्रोच हम लोगों ने इस वीडियो में आपके लिए दिखाया है। तो फ्रेंड, किस बात की देरी, जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपने वीडियोस का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे कि कहीं पर वीडियो की रेजोल्यूशन में प्रॉब्लम है या कहीं पर वीडियोस आप लोगों को क्लैरिटी से नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है। होपफुली अभी आपको और भी क्लैरिटी आएगी और अभी आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो जल्दी से चलते हैं, पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला, जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन पहचानने में तकलीफ होती है। और भी जैसे हम लोगों ने आपको कहा कि हम लोगों ने 5 चैलेंजेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट 5 चैलेंजेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन आज के एपिसोड में हम सिर्फ आपके साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। आने वाले एपिसोड में हम ये बाकी जो है पॉइंट्स उसको कवर करेंगे, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है पूरी टेक्निकल एनालिसिस का। तो जैसे हमने कहा कि कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर आप कोई भी चार्ट को देखोगे, कभी भी कोई भी चार्ट खोलोगे तो उसमें बहुत सारे लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो, स्विंग लाइंस हैं, आप उसको मल्टी टाइम फ्रेम लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, स्विंग लाइन ड्रॉ कर सकते हो, स्विंग हाई, स्विंग लो, लाइफ टाइम हाई, लाइफ टाइम लो, तो बहुत सारे लेवल्स जो हैं वो आपके सामने उबड़ के आते हैं, और आप इस फिक्स में रहते हैं कि कौन से लेवल्स को हम सही माने, क्या कौन से लेवल्स पे हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि प्राइस आके रुकेगी। तो जनरली आप 3-4 चीजें हम लोगों ने नोटिस की है और बहुत यूनिक चीजें हैं। फ्रेंड देखिए, मैंने कभी भी ये चीजें डिस्कस नहीं करी है यूट्यूब पे पहले, तो जरूर से बने रहिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। तो पहला जो सबसे यूनिक चीज है, जैसे मैंने कहा कि मल्टीपल रिएक्शन जोन, अब ये मल्टीपल रिएक्शन जोन के बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूं, मैं इस पे जस्ट टच करूंगा, आई विल जस्ट टच अप दिस थिंग, और इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो नए कॉन्सेप्ट हैं, वो आगे हम आपके साथ एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो मल्टीपल रिएक्शन जोन कहां होता है, वो जोन होती है जहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है बार बार एक दूसरे को टच करती है, ऐसा जोन जहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के साथ बार बार जो है चूती। तो मैं आपको यहां पर चार्ट पे दिखाता हूं, मेरे बोलने का मतलब ये है कि आप जरा समझो कि समझो ये एक 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 जोन है जो कि प्राइस का जोन है, और ये जोन सपोर्ट के तरह काम कर रहा था, याद रखिए आप, ये वाला जोन जो है सपोर्ट के तरह काम कर रहा था, समहाउ ये सपोर्ट टूटता है और अब ये जोन जो है वो रेजिस्टेंस के तरह काम करने लग गया। तो ये वाला जो जोन है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये वाला लेवल जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करो, सिर्फ बता देना कि ये लेवल हो जाता है डजंट मेक सेंस, इसके पीछे की आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो। साइकोलॉजी ये होता है कि देखिए, कई पिछले कई अरसों में, पिछले कई समय में ये जो लेवल्स हैं ये सपोर्ट के तरह काम कर रहे थे, है ना, अब ये सपोर्ट टूटा तो यहां पर आप समझो कि वो लोग जो यहां पर खरीद रहे थे, राइट, वो लोग जो यहां पर खरीद रहे थे उनका एक मेमोरी है इस लेवल को लेकर, क्योंकि ये लेवल बार बार टच करके प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, तो उनका एक मेमोरी है उस लेवल को लेकर। अब जब ये प्राइस यहां पर रेजिस्ट करेगी
तो ये जितने बायर्स हैं जो इन लेवल्स पे खरीद रहे थे वो सेलर्स बनेंगे, राइट? आप समझिए वो सेलर्स बनेंगे, एग्जिस्टिंग सेलर्स आएंगे, शॉर्ट सेलर्स आएंगे। तो ये जो लेवल है जो कि बार बार टच होता है, बार बार रिएक्ट होता है प्राइस उस लेवल पे आकर, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल के तरह काम करता है। आप ये चीज समझ के रखो ना कि इस लेवल पे पक्की पक्का 100% कोई बड़ा प्लेयर बैठा हुआ रहता है, क्योंकि वो प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा है। और जब वो प्राइस को नीचे जाने देगा या प्राइस को नीचे जाने दे दिया, इसका मतलब कि उस बड़े प्लेयर ने अपना हाथ खींच लिया उस स्टॉक पे से या उस कमोडिटी पे, उस जो भी है। और उसके बाद अब ये जो बड़ा प्लेयर जो बायर था, जो इस प्राइस को नीचे नहीं जाने दे रहा था, अब ये बड़ा प्लेयर सेलर बन गया। यहां पर रोल रिवर्सल हो गया, है ना? तो अब आप वही समझो कि ये लेवल जो है एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम कर रहा है। ये आगे जाकर, राइट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा। हो सकता है कि प्राइस यहां से टूट के जब आगे जाके वापस रिएक्ट करके यहां पर आए तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहां से नीचे जा सकता है। तो ये जो लेवल्स होते हैं प्राइस पे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करते हैं। तो इन लेवल्स का हमें खासम खास ध्यान रखना है, या ये बात ध्यान रखिएगा, ये लेवल आपको हमेशा जो है अपने चार्ट्स में मार्क करके रखने। अगर ऐसे लेवल जो रोल रिवर्सल लेवल, ऐसे लेवल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों की तरह काम कर रहे हैं, वो लेवल्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन लेवल्स को मार्क करना। अब यहां पर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेवल देखिए कई कई बार यहां पर देखिए प्राइजेस ने इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया है, प्राइजेस इन लेवल्स पे आकर रुकी है। दैट मींस कि कोई ना कोई बायर बैकग्राउंड में बैठा हुआ है और कोई ना कोई बायर इस प्राइस यहां पर बार बार खरीद रहा है। वो बायर इज ट्राइंग टू होल्ड द प्राइजेस, राइट? यहां पर डिमांड है, यहां पर सपोर्ट है, प्राइस को होल्ड करने की कोशिश। फाइनली वो बायर को अंदाजा हो जाता है या वो बायर सोचता है कि बस अब इस कंपनी को यहां पर होल्ड करके फायदा नहीं है, हम लोगों ने जितने दिन होल्ड करना था होल्ड कर लिया, अब इस कंपनी में उतनी गूंज नहीं है, वट एवर मे बी द रीजन। फंडामेंटल्स क्या है हम लोगों को उससे मतलब नहीं है, वी आर वेरी मच कंसर्न अबाउट व्हाट द प्राइस इज डूइंग, राइट? प्राइस क्या कर रही है उससे हमें ज्यादा मतलब होता है। एंड फाइनली दिस लेवल ब्रेक्स, आप यहां पर देखिए ये लेवल फाइनली टूट जाता है और उसके बाद प्राइस वापस आकर इस लेवल पर रेजिस्टेंस खा रही है। नाउ लुक एट द ब्यूटी कि ये जो सपोर्ट का लेवल था, यहां पर जो प्राइस बार बार रुक रही थी एज अ सपोर्ट, इसी लेवल पे अब प्राइस एज अ रेजिस्टेंस रुक रही है, प्राइस यहां पर रेजिस्ट कर रही है और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस जो है अपनी नीचे की जर्नी शुरू करती है। तो ये जो लेवल है फ्रेंड्स, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ऐसा कोई लेवल है जो कि डुअल एज अ डुअल रोल प्ले करता है, वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उस लेवल को आपको खासम खास मार्क करके रखना है, क्योंकि इन द फ्यूचर वो लेवल भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंट। इस चीज का ध्यान रखिएगा, राइट? देखिए सिमिलरली मैंने जैसे आपको यहां पर बताया, वो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है और यहां पर देखिए किस तरह से एक रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट की तरह सपोर्ट में चेंज हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो लेवल था कितनी बार एज अ रेजिस्टेंस का काम किया है, आप देख सकते हैं कितनी बार प्राइस इन लेवल्स पे आकर रुकी है, कितनी बार प्राइस जो है इन लेवल से आकर नीचे की तरफ मुड़ी है। फाइनली जब ये लेवल टूटता है और प्राइस वापस नीचे आती है तो इस बार प्राइस है ना इन लेवल्स पे होल्ड कर जाती है। तो ये जो लेवल है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था वो सपोर्ट में चेंज हो गया है। तो ये जो लेवल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड यू कैन सी द फ्लाइट ऑफ द प्राइस आफ्टर टेस्टिंग दिस लेवल। सो द लेवल्स विच विल एक्ट एज अ रोल रिवर्सल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज का ध्यान रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह वो जो लेवल होता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है और आपकी ट्रेडिंग में ये लेवल जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करना है तो अगर आपको चूज करना है कि सर एक एक स्विंग लेवल मिल रहा है, एक ऐसा लेवल मिल रहा है कि जो रोल रिवर्सल का लेवल है, तो कौन से लेवल को मैं चूज करूं, आई विल ऑलवेज टेल यू दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो रोल रिवर्सल लेवल है दैट विल होल्ड द प्राइजेस आइदर टू गो अप और फ्रॉम गोइंग डाउन, वट एवर इट इज, जो भी रोल है, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा या सप्लाई काम करेगा, जो भी काम करेगा इट विल होल्ड द प्राइस एट दिस पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिसे अपने जहन में यहां पर अपने मगज में उतार लीजिए कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड, देखिए अभी अब शुरू हो गई मजेदार बात, अब हम बात करेंगे बहुत अलग तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच करने की। और ये ना, ये हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं ना, साइकिल्स की बात कर रहे हैं, नॉट द टाइम साइकिल्स, नॉट द वेव साइकिल। देखिए मैं वो सब साइकिल्स में विश्वास नहीं करता, वो सब साइकिल के ना पंचर जल्दी हो जाते हैं। तो हम जिस साइकिल की बात कर रहे हैं वो बहुत ही नॉर्मल टाइप के साइकिल्स हैं और बहुत ही ऑब्वियस रीजंस हैं
मेरे पास बताने के लिए कि क्यों ये साइकिल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप यहां पर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर आप ये समझिए कि सबसे पहले क्वार्टरली लेवल्स जो होते हैं, राइट, जो प्राइस एक क्वार्टर के खत्म होने पे जो प्राइस बन रही है, या एक क्वार्टर के खत्म होने पे अगर प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, एक क्वार्टर के खत्म होने पे जो क्लोजिंग का जो डेटा आता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि क्या हर एक क्वार्टर के एंड में क्या होता है, हमें मालूम है जून का क्वार्टर होता है, सितंबर का क्वार्टर होता है, दिसंबर का क्वार्टर होता है, मार्च का क्वार्टर होता है, हर एक क्वार्टर के एंड पे हर एक कंपनी अपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स, अपने फाइनेंशियल्स जो है वो अनाउंस करती है। हर एक क्वार्टर पे आप ये समझ के रखिए जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो को वापस रिजिक करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं या बड़े बड़े जो HNIs होते हैं वो हर एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनीज की रिजल्ट्स पे, कंपनी के परफॉर्मेंस पे ये डिसाइड करते हैं कि वेदर दे हैव टू कीप होल्डिंग दैट थिंग और वेदर दे हैव टू लेट गो, क्या उनको छोड़ना है वो चीज, अपने एलोकेशन को बढ़ाना है उसमें कि एलोकेशन में कम करना है। तो ये क्वार्टरली बेसिस पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए साइकोलॉजिकल है, साथ ही साथ इसके पीछे बहुत स्ट्रांग बैकिंग है कि क्यों आप म्यूचुअल फंड्स की बात करिए, आप चाहे बैंक्स की बात करिए, आप चाहे बड़े इन्वेस्टर्स की बात करिए, ये जो चीज है, ये जो क्वार्टरली जो रिव्यूज होती हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो हर एक बार देखिए, जैसे यहां पर लिखा भी मैंने, देखिए बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस अपने क्वार्टरली अर्निंग्स निकालते हैं, एनालिस्ट जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट्स में जो चेंज करते हैं, बाय होल्ड सेल, वो जो आपको रिपोर्ट मिलता है ना, बहुत सारे PDFs आपको मिलते हैं तो वो वहां पर चेंज होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो बहुत बार अपने जो एजेंडाज हैं वो क्वार्टरली बेसिस पे लेके आती है, और साथ ही साथ बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मतलब जैसे कि समझो जैसे CPI डाटा, WPI डाटा, लाइक RBI का डाटा, ये सब जो चीजें हैं ना फ्रेंड्स, एक क्वार्टरली साइकिल का हिस्सा होता है। व्हेन दे कम एंड कंफ्लुएंस टुगेदर, अभी अभी जैसे आपने देखा कि अप्रैल मंथ में, राइट, अप्रैल मंथ की शुरुआत हुई है, अभी नया क्वार्टर शुरू हुआ है ना, नया क्वार्टर शुरू हुआ है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, हम लोगों ने देखा RBI की मीटिंग आई हुई थी, वहां पर उन्होंने रेट्स को अनचेंज रखा, जो भी है। तो आप देख रहे हो कि एक क्वार्टर में, जब क्वार्टर जब शुरू होता है उसके पहले ही हफ्ते में कितनी एक्टिविटी हो गई है, और बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो यहां से हो सकता है ऊपर की मूवमेंट शुरू करेंगे, हो सकता है वहां से नीचे की मूवमेंट शुरू करेंगे। तो जो क्वार्टरली लेवल्स होते हैं उनका एक अलग महत्व होता है, याद रखिएगा, उनका एक अलग महत्व होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जैसे बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो अपने पोर्टफोलियो को जनरली क्वार्टरली बेसिस पे वापस जो है रीएनालाइज करते हैं, अपने पोर्टफोलियो के जो एलोकेशन को क्वार्टरली बेसिस पे चेंज करते हैं। तो क्वार्टर पहले, हर एक क्वार्टर का पहले हफ्ते में या पहले एक दो दिन में जो मूव मिलता है वो मूव जो होता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मूव होता है। तो आइए देखते हैं ना कि कैसे होता है। देखिए ये है वोल्टास का है, आप यहां पर देखिए एक जनवरी को देखिए यहां पर हम लोगों को यहां पर ये क्वार्टरली लेवल, यहां पर क्वार्टरली कंसोलिडेशन मिला 1 जनवरी को। तो हम लोगों ने क्या किया ना, 1 जनवरी को क्वार्टरली मूव यहां पर आई, बहुत स्ट्रांग मूव आई, यहां पर बेस बना। अच्छा, अब ये बेस बना तो फ्रेंड्स आपको याद है रैली बेस रैली वाला जो हम लोगों का फंडा होता है, रैली बेस रैली जो हम लोग आपके साथ बहुत बार डिस्कस किए हैं, तो यहां पर देखिए वही हुआ, रैली हुआ, एक बेस बना, उसके बाद वापस एक रैली आई। तो ये जो लेवल है क्वार्टरली लेवल भी था, साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट रैली का बेस भी था। तो हम लोगों ने इसको ना राइट साइड थोड़ा सा एक्सटेंड किया, ये सपोर्ट जोन को राइट साइड एक्सटेंड किया, और देखिए प्राइस आकर इस जोन पे वापस टप्पा खाती है, एंड प्राइस वापस जो है यहां से अपनी फ्लाइट को ऊपर की तरफ मूव करती है। तो आप देखो कि किस तरह से आपको ये दिखाई दे रहा है, किस तरह से आप इस चीज को एनालाइज कर सकते हो कि क्वार्टरली लेवल्स इज यहां पर किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, क्वार्टरली लेवल का क्या महत्व है, राइट। तो किसी ना किसी बड़े पोर्टफोलियो ने यहां पर इसको ऐड किया है, किसी ना किसी बड़े HNI ने यहां पर ऐड किया है, या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी आई है जिसके वजह से वोल्टास में हम लोगों को क्वार्टर के बाद स्ट्रेंथ दिखनी पड़ी बेस के बाद। अब क्या है, वी डोंट नो एंड ऑल्सो वी डोंट केयर, लेकिन अगर आपको आपके पास उतनी क्षमता है और आपके पास उतनी कैपेबिलिटी है कि आप अगर इसके रीजन को ढूंढ लो, राइट, कि कौन से पोर्टफोलियो ने इसे लिया है, कौन से बड़े इन्वेस्टर ने इसमें पोजीशन बनाई है, तो आपका कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है ये हमें टेक्निकल चार्ट्स बता देता है, राइट। एज एन इंडिविजुअल ना आपके बस में इतना
आप ना आपकी इतनी क्षमता है ना मेरी इतनी क्षमता है कि हम बहुत सारे चीजों को ट्रैक करें, तो इसीलिए हम बहुत मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हम सीधे प्राइस और चार्ट को ही ट्रैक करते हैं। तो यहां पर देखिए मूव करके प्राइस वापस आती है, यहां पर उस सपोर्ट पे लेती है, दिस इज द क्वार्टरली क्लोज विच हैज एक्टेड एज अ सपोर्ट, और उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। वैसे ही देखिए क्वार्टरली लेवल्स वापस, अब यहां पर देखिए ये 31 मार्च को प्राइस देखिए यहां से ऊपर गई, राइट, नीचे आकर यहां पर ये 31 मार्च को बेस बनाती है, और यहां पर 31 मार्च जब बनता है ना, तो हम क्या करते हैं ना, यहां पर इसको राइट साइड में इस लेवल को खींच देते हैं राइट साइड में, और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है 31 मार्च के पास कंसोलिडेट कर रही है, 31 मार्च के लेवल्स को तोड़ रही नहीं है। अब यहां पर एक चीज देखिए बहुत ही खूबसूरत चीज हुई है, प्राइस जो है 31 मार्च के लेवल्स को तोड़ती नहीं है और उसके बाद यहां से बाउंस करके जा रही है ऊपर की तरफ, राइट। अब आप देख सकते हो कि कितना यहां पर ये 31 मार्च का जो है महत्व है, क्वार्टरली लेवल्स का क्या महत्व है, राइट। और एक और चीज आप यहां पर नोटिस करो, ये जो लेवल है, एज ए डुअल लेवल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो यहां पर देखिए ये जो लेवल में दुगनी शक्ति है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है क्वार्टरली लेवल्स, राइट। अब यहां पर भी देखिए वापस बहुत सारे चार्ट्स, मैं आपके साथ सिर्फ चार्ट्स पे बात करूंगा, मैं आपके साथ चार्ट्स ही डिस्कस करूंगा। यहां पर देखिए 1 जनवरी को यहां पर एक डोजी बना, राइट, क्वार्टरली डोजी बना, और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये लेवल को खींच देना है, हम लोगों को ये लेवल आगे लेके जाना है। देखिए प्राइस आती है 1 जनवरी पे, वापस बाउंस करती है, वापस ऊपर जाती है, ओके, वापस ऊपर जाती है, फिर प्राइस आती है और फाइनली इस लेवल को तोड़ देती है। अब जो क्वार्टरली जो हम लोगों को लेवल था, क्वार्टरली ये जो लेवल था, इस लेवल को प्राइस ने तोड़ दिया, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई है फ्रेंड्स, क्वार्टरली क्लोज के प्राइस को तोड़ दिया। अब जैसे मैंने आपको हमेशा कहा कि कोई भी स्मार्ट मनी होगा, कोई भी बड़े पैसा वाला होगा ना, वो कभी भी एक झटके में अपनी पोजिशंस को नहीं बेचेगा, उसका हमेशा एक माइंडसेट रहेगा कि अपने पोजीशन को मैं धीरे धीरे खाली करूं। तो यहां पर देखिए आपको ये लोअर टॉप लोअर बॉटम बनता हुआ मिल रहा है, या डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ मिल रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, तो लोअर टॉप लोअर बॉटम मिल रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है, तो ऑफकोर्स बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर यह डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, और डिस्ट्रीब्यूशन किन लेवल्स पे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म होता है, कौन सा लेवल टूटने पे, ये क्वार्टरली लेवल टूटने पे डिस्ट्रीब्यूशन कंफर्म होता है। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर आती है वापस, और नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग हियर। याद करिए इसके पहले जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया वो मल्टीपल रिवर्सल, लाइक मल्टीपल रोल वाले लेवल्स की बात कर रहे हैं हम। तो ये जो लेवल है, एक क्वार्टरली लेवल तो था ही, साथ में यहां पर अब ये रोल एज अ मल्टीपल लेवल, मल्टीपल रोल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये जो लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये सपोर्ट टूटने के बाद ये लेवल अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, एंड देन प्राइसेस वेंट डाउन, प्राइसेस जो है नीचे की तरफ यहां से अपनी जो है जर्नी शुरू कर रही है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वार्टरली लेवल्स। हर एक क्वार्टर जब खत्म होता है आपको क्या करना होता है, हर एक चार्ट पे जाकर बस उस लेवल को मार्क कर लीजिए। सर हम कैसे मार्क करें, इतने सारे चार्ट्स हैं, बहुत तकलीफ होती है हम लोगों को, सर कोई रास्ता बता दो ना, कोई शॉर्टकट बता दो ना। यार शॉर्टकट लिए बिना आप लोग मानोगे नहीं, है ना, चलिए शॉर्टकट भी बता देंगे, बस रहिए ठाए रहिए, हम शॉर्टकट भी आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है ये क्वार्टरली लेवल्स ऑटोमेटिकली हर एक चार्ट पे जो है आप प्लॉट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंस होता है ऑटोमेटिक, ये आपका क्वार्टरली लेवल्स का, राइट। अब नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज की बात करते हैं, हम ईयरली लेवल्स की बात करते हैं, हर एक साल पे जो लेवल्स बनते हैं उनकी बात करते हैं। अब हम ईयरली लेवल की क्यों बात कर रहे हैं, सर हम क्यों बात करेंगे, आपको बताइए 1 जनवरी को, राइट, अपने दिल से पूछो, हर एक जनवरी को फाइनेंस वाला जो बंदा है वो तो पक्का कसम खाता है कि मैं हर एक इन्वेस्टिंग करना शुरू करूंगा, मैं सीखना शुरू करूंगा, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, राइट, वो पक्का रेजोल्यूशन लेता है। तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल पुश, जब भी न्यू ईयर आता है देयर इज अ साइकोलॉजिकल पुश, एक साइकोलॉजिकल पुश होता है कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को ट्रेडिंग करनी है, राइट, मैं सीखूंगा, मैं ट्रेड करूंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो दिस साइकोलॉजिकल पुश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, इसीलिए जो ईयरली लेवल है वो काम आते हैं। साथ ही साथ जब 31 दिसंबर खत्म होता है तो वे क्वार्टर एंड भी होता है तो वो भी काम आता है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो लेवल होता है वो मंथ एंड, क्वार्टर एंड, ईयरली एंड, डे एंड, वीकेंड, बहुत कुछ होता है, तो बहुत सारे साइकिल जो हैं एक साथ आते हैं। अभी अभी जो हुआ लास्ट अप्रैल में, आप देखो अप्रैल में जो हुआ, अप्रैल का जब पहला वीक शुरू हुआ तो वीकेंड था,
जब अप्रैल का वो क्वार्टर एंड था, नया फाइनेंशियल ईयर था, मंथ एंड था, तो तीन चार साइकिल्स जो होते हैं ना सर, वो एक साथ में, देखिए यही साइकिल स्टडी है। मैं वो जो है ना वेव्स के साइकिल और वगैरह साइकिल मैं नहीं मानता, क्योंकि मैंने बहुत टाइम बहुत पैसे इनको सीखने में लगाए हैं और फाइनली मेरा आउटकम नील बट्टा जीरो, ठीक है, शून्य बट्टा जीरो या नील जो भी आप मानो वही है। तो मैंने अपनी ट्रेडिंग को थोड़ी सी सिंप्लीफाई करने की सोची और ठीक है, सब में देखिए एक्यूरेसी एक ही जैसी मिलती है। अब यही बात है कि आप चाहे कान को ऐसे पकड़ के ट्रेड करो तब भी आपको 50% 55% की एक्यूरेसी मिलेगी, चाहे अपने टांग से अपने पाँव को इधर कान को पकड़ो, मेहनत करके मुशक्कत करके अपने पाँव को लाओ अपने कान पे, राइट, रामदेव बाबा का योगासन करके करो, तो तब भी आपको जो आपकी एक्यूरेसी है वो 55% और 60% के बीच में, 50-55% के बीच में ही मिलेगी, राइट। तो जब मैंने देखा कि भाई वो मेथड यूज करके भी सेम एक्यूरेसी है, यही मेथड यूज करके भी सेम एक्यूरेसी है, तो ज्यादा मगज को क्यों अपना टेंशन देने का, राइट। उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें एनालिसिस ज्यादा लगती है, उसमें रीडिंग, उसमें नॉलेज जो चाहिए, बेस चाहिए, वो बड़ा चाहिए, तो अपने को उतना मगज नहीं मारने का, अपने को सिंपल रखने का अपनी चीजें, राइट। तो अपने और वो सिंपल, वो चीजों को सिंपल करने में ना बहुत तकलीफ होती। कोई भी एक बहुत हैरानी वाली चीज मैं आपको तुरंत बता सकता हूं, अभी मैं अभी आपको हर्स्ट के साइकिल पेस्ट करके दिखा सकता हूं, मैं आपको अभी RSI के साइकिल पेस्ट करके दिखा सकता हूं, और मैं आपको, और आपको लगेगा कि कितना इंटेलेक्चुअल बंदा है, राइट। तो और अगर मैं आपको कोई चीज सिंपलिसिटी से बता दूं तो आपको लगेगा ये तो सभी बताते हैं, तो दिस इज द डिफरेंस फ्रेंड, वो मेंटेलिटी का डिफरेंस है, कुछ नहीं है। एक घूम फिर के लोग जो है ना वापस उसी बिंदु पे आ जाते हैं, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर, उसमें आपको उसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं होता है, राइट। अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो लेवल था ये 31 दिसंबर से छुट्टी थी, तो ये 30 दिसंबर को यहां पर प्राइस जो है वो क्लोज होती है, 30 दिसंबर को प्राइस यहां पर क्लोज होती है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब 30 दिसंबर को जब प्राइस यहां पर क्लोज होती है तो हम इसे राइट साइड में जो है एक्सटेंड कर देते हैं, और हम देखते हैं यहां पर कि 30 दिसंबर प्राइस वापस यहां पर आती है, हल्का सा रेजिस्टेंस खाती है और अब इस 30 दिसंबर के लेवल को प्राइस ब्रेक कर रही है। तो फ्रेंड्स ईयरली जो क्लोज था यहां पर बहुत लोगों के इमोशंस थे, बहुत लोगों ने यहां पर इन्वेस्ट किया होगा, बहुत म्यूचुअल फंड ने यहां पर अपनी पोजीशन चेंज करी होगी, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, तो यहां पर है ना थोड़ा सा वो इमोशंस अपना धार दिखाती है और फिर एक झटके में ये लेवल तोड़ती है। एंड नाउ व्हाट सी व्हाट इज हैपनिंग एट दिस लेवल, जो कि एक इंपॉर्टेंट ईयरली लेवल था, वो लेवल टूटने के बाद एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, वो लेवल रेजिस्टेंस था, यहां पर वो लेवल रेजिस्टेंस था, अब वो लेवल टूटने के बाद एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि अब क्या चीज यहां बदल गई, क्या चीज चेंज हुई। एक तो यर्ली लेवल है नंबर वन, दूसरा ये लेवल जब टूटा लाइक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूट रहा है और उस रेजिस्टेंस को वापस रीटच हो रहा है, वापस रीटेस्ट हो रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस है अब ये सपोर्ट में बदल गया, अब ये सपोर्ट में बदल गया। तो यहां पर नॉर्मल जो रोल रिवर्सल तो हुआ ही है, साथ ही साथ ये एक ईयरली लेवल भी था, ये एक क्वार्टरली एंड भी था, इसीलिए थोड़ा ज्यादा कन्विक्शन अपने को आ जाता है। तो अगर आपको सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट लेवल मिलते हैं, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं जिस पे ये रोल रिवर्सल हो रहा है और साथ ही साथ उस पे क्वार्टरली का जो क्लोजर है या ईयरली का क्लोजर है जो मिल रहा है, तो दैट लेवल विल ऑलवेज बी अ बेटर लेवल, वो और लेवल से बेटर होता है, राइट। और यहां पर देखिए, और एक चीज आप नोटिस करिए, जितने भी स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूं ना फ्रेंड्स, ये सारे CNX 200, मतलब अपने निफ्टी 200 के ही स्टॉक्स हैं। मैं आपको एरा गैरा कोई मिड कैप माइक्रो कैप लेवल स्टॉक्स नहीं दिखाता हूं, उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो सकती है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकती है, लेकिन ये बड़े स्टॉक्स में मैनिपुलेशन होना मुश्किल है। ओके, तो यहां पर देखिए, ये 1 जनवरी का लेवल था, यहां पर भारतीय एयरटेल पे 1 जनवरी का लेवल था, प्राइस यहां पर आती है, 1 जनवरी को रेजिस्टेंस खाती है, नीचे जाती है और ये लेवल टूटता है, ये 1 जनवरी वाला लेवल टूट रहा है, और यहां पर देखिए ये लेवल ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, ये लेवल टूट जाता है 1 जनवरी को, प्राइस ऊपर जाके वापस इस लेवल को रीटेस्ट करती है, दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, यहां पर जो है असल गेम है, दिस इज द ईयरली लेवल, ईयर एंड का लेवल है। बहुत लोगों ने अपने आपके साथ ये प्रॉमिस किया होगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स में लूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा, अल्टीमेटली कहीं पर भी आप करो, LIC लो, म्यूचुअल फंड लो, फिक्स डिपॉजिट लो,
कुछ भी लोग घूम फिर के पैसा आएगा स्टॉक मार्केट में। तो फाइनली ये ब्रेक होता है एंड ये एरिया रीटेस्ट होता है एंड देन इट गोज अप, उसके बाद द मूव कंटिन्यूस। तो इंपॉर्टेंस है लाइक क्या चीज का, ईयरली लेवल्स का इंपॉर्टेंस है, क्वार्टरली लेवल्स का इंपॉर्टेंस है, साथ में प्राइस पे भी हम देख रहे हैं एसआर फ्लिप या रोल रिवर्सल वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल हम प्राइस पे भी देख रहे हैं। तो अब हम लोगों ने तीन चार चीजें देख ली। पहला हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल प्राइस पे एसआर फ्लिप लेवल जो होते हैं या रोल रिवर्सल लेवल होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, दूसरा क्वार्टरली लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं, तीसरा हम लोगों ने देखा कि ईयरली लेवल्स ईयरली क्लोज लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये तीसरा का सबसेट ही है जो है कि ईयरली हाई लो लेवल्स। देखिए अभी हम पहले ईयरली क्लोजिंग लेवल्स देख रहे थे, अब हम आपके साथ ईयरली हाई लो लेवल्स देख रहे हैं, ईयरली हाई ईयरली लो, ईयरली हाई ईयरली लो लेवल्स देख रहे हैं। अब हाई लो लेवल्स का मतलब क्या कि पिछले साल में कौन सा लेवल हाई था कौन सा, देखिए 52 वीक हाई लो नहीं है ये मेरे भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर इज अ डिफरेंस। ये 52 वीक हाई लो नहीं है, ये साल का हाई लो है फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, राइट। उसके बीच में कौन सा हाई बना कौन सा लो बना, क्योंकि यहां पर हम एक दूसरा अप्रोच ले रहे हैं मार्केट को देखने का। तो दिस इज नॉट द 52 वीक हाई दैट वी जनरली मार्क, दिस इज ईयरली हाई एंड लो, दैट इज द हाई एंड लो बिटवीन अ कैलेंडर ईयर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम जनवरी एंड दैट एंड्स इन दिसंबर। तो उस दौरान का हाई लो हम बात कर रहे हैं, राइट। तो यह परसीव होता है कि जनरली जब एक साइकिल का लाइक जनवरी और दिसंबर के बीच का एक साइकिल है उसका हाई जब टूट जाता है तो प्राइस जो है वहां से ऊपर जाएगी, वो एक रेजिस्टेंस की तरह परसीव किया जाता है, प्राइस ऊपर जाती है। उसका लो टूट जाता है तो एक सपोर्ट टूट जाएगा वैसा परसीव किया जाता है और प्राइस जो है वहां से नीचे जाती है। तो ये जो लेवल है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये कैसे समझेंगे यही देखिए, आप अभी सोच रहे होंगे कि यार ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, इतने लेवल्स हम बैठ के मार्क करेंगे तो जितने में तो हम लेवल मार्क करेंगे उतने में तो मार्केट जो है नया हाई बना लेगा और हम तो लेवल मार्क करने में ही लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूंगा अभी है इंडिकेटर, प्री डिफाइंड इंडिकेटर्स हैं जो आपको बता देते हैं कि लेवल्स कैसे आप मार्क कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में तो हम बता देंगे आपको, बाकी सॉफ्टवेयर का मेरे को नहीं पता प्रभु, क्योंकि जो हम यूज करते हैं उसमें हम अवगत हैं और वो हम आपको बता सकते हैं, राइट। तो अच्छा, उसके पहले फ्रेंड्स ये कुछ परफॉर्मेंसेज हैं हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज की जिन्होंने लिया है। देखिए इनके लास्ट वीक के परफॉर्मेंसेज हैं और बहुत ही अच्छा, लाइक जैसे मार्केट ने पिकअप किया लाइक इन लोगों की जो परफॉर्मेंसेज हैं काफी अच्छा। बाकी देखिए पीएनबी में ही केप्ट होल्डिंग, ये हमारे मेंटी हैं, काफी पुराने मेंटी हैं, जो इन्होंने पीएनबी अच्छा होल्ड करके रखा 62%। और ये क्रिप्टो में देखिए इनका जो रिटर्न है 1273.96%। और ये हमारे एक और मेंटी हैं जिन्होंने फिक्स फिगर ऑलरेडी 13% अप लाइक इन फरवरी में। तो ये जो हमारे कुछ मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के मेंटीज हैं फ्रेंड, देखिए मैं आपको किसी भी तरह का मिसगाइड करना नहीं चाहता। ये जो हमारे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पोर्टफोलियो के जो फिगर्स दिखा रहा हूँ, ये हमारे मेंटी जो है वो है जो हमारे साथ 2-3-4 साल से हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस की है, जिन्होंने टाइम दिया है, जो कंसिस्टेंट रहे हैं ट्रेडिंग में, वो हैं ये, राइट। तो अभी मैं आपको कोई नौसिखिया लाइक अभी जो कल आया परसों आया और उसके मतलब कि आते ही पैसों की बरसात होने लग गई, राइट, और भीग गए, कुबेर की कृपा उनके ऊपर होने लग गई, वैसे लोगों का पोर्टफोलियो नहीं दिखा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है और मेरे साथ तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैं तो पहले ही लोगों को बोल देता हूँ कि पहले साल तो प्रॉफिट की सोचना भी मत, पहला साल तो आपको सीखना है और अपने लॉस को कैसे मिनिमाइज करें ये समझना है। उसके बाद एक बार जब आपका लॉस होना रुक जाता है ना फ्रेंड्स, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो लॉस कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट ये समझना होता है। तो फिर मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम 120 घंटे का प्रोग्राम जनरली ये है, जहां पर प्राइस एक्शन मोमेंटम मार्केट ब्रेथ के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ हमारा स्ट्रैटेजी मॉड्यूल भी है। तो ये आपको एक बता दिया जाता है कि आपको कैसे देखना है, आप उनको उन्हीं लेवल्स पे देखेंगे। हमारे साथ आपकी लाइव सेशंस होती हैं और अल्टरनेट वीकेंड्स लाइव सेशन होती है जहां पर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपके जो डाउट्स हैं आपके जो क्वेरीज हैं उसको हम क्लियर आउट करते हैं। हमारी एक कम्युनिटी बनाई हुई है जहां पर जो हमारे बाकी जितने भी मेंटीज हैं वो भी बहुत सारे चार्ट्स वगैरह जो पोस्ट करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वहां पर भी क्या बोलते हैं नेटवर्किंग होती है, वहां पर भी काफी लर्निंग और काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। और बाकी जितने भी स्कैनर्स हैं हमारे इस रिसोर्स सेक्शन में हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूं
तो ये देखिए, ये हमारा जो है वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देखिए अलग अलग, जैसे मार्केट स्ट्रक्चर, डाउ थ्योरी, वीपीए, ट्रेंड लाइंस, कैंडल स्टिक्स, बार पैटर्न्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं, सुपर परफॉर्मेंस मॉड्यूल। अभी आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे इसके अंदर जितना भी रिस्क मैनेजमेंट, स्टेज एनालिसिस, सेट एंड फॉरगेट सिस्टम, हमारा स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, हमारा स्क्वाड, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं, मास्टर ब्लास्टर, ये सब चीजें जो हैं हम, आप जो है एक एक करके इसको देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी कम्युनिटी बनाई हुई है, तो ये हमारी कम्युनिटी है जहाँ पर मैं भी हूँ और हमारे बाकी सब ट्रेडर्स भी हैं, तो वो भी अपने चार्ट्स वगैरह यहाँ पर शेयर करते हैं। और काफ़ी जो है यहाँ पर भी डाउट क्वेरीज जो हैं, बहुत रिसोर्सेज यहाँ पर भी शेयर होती हैं, तो बहुत ब्रेन स्ट्रॉमिंग लर्निंग जो होती है यहाँ पर भी होती है। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे जितने भी स्कैनर्स हैं, हम आपके साथ, हमारी जितनी भी स्कैनर्स हैं, हमारे जितने पाइन स्क्रिप्ट हैं, हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं। तो ये हमारा जो है मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है, राइट। तो फ्रेंड देखिए, मेंटरशिप ले लेने का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो है तुरंत, जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिटेबल हो जाओ, नहीं, इसमें आपका एफर्ट लगता है, आपका टाइम लगता है और हम पूरी मेहनत करते हैं आपके साथ, आपको भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट करना पड़ता है। सिर्फ कोई प्रोग्राम लेने से कोई पैसा वाला या कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है, टाइम लगता है चीजों को समझने में, टाइम लगता है आपको उस प्रोफिशिएंसी लेवल पे पहुंचने पे, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा। इसके अल्टीमेट फ्रेंड्स, हमारे कुछ शॉर्ट प्रोग्राम्स भी है। ये अल्टीमेट प्राइस एक्शन प्रोग्राम हमारा वन ऑफ द मोस्ट, अभी तक बहुत लोगों ने प्रोग्राम लिया है और इसीलिए हम लोगों ने इसकी प्राइस बहुत कॉम्पिटेटिव रखी है, 6199 रखी है। इससे ज्यादा लोग तो स्टॉप लॉस खा जाते हैं, लाइक रोज के दिनों में इससे ज्यादा रोज तो स्पष्ट लोग स्टॉप लॉस खाते हैं। तो ये प्रोग्राम लेने से आपको समझ में आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, किस तरह से आपको मार्केट अप्रोच करना है, ये सब तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमारा RSI का प्रोग्राम है और उसके बाद ये हमारा एडवांस मास्टर एडवांस प्रोग्राम है प्राइस एक्शन का। तो ये प्रोग्राम अगर छोटा बच्चा है तो ये प्रोग्राम जो है थोड़ा टीनेजर लेवल पे जाता है, उसके बाद बाप लेवल तो हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है। और ये हमारा जो हम लोगों ने कॉम्बो बना दिया है, एडवांस प्राइस एक्शन और RSI का, जिसको चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग है। देखिए, मैं जनरली उन लोगों को जो नए हैं मार्केट में, उन लोगों को ऑप्शन और इंट्राडे कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग, आप ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में और अच्छा ट्रेड कर रहे हो ऑप्शन में, तो अपने आप को अपस्किल कर सकते हो इन प्रोग्राम्स को लेकर। और उसके बाद अगर ये प्रोग्राम लेने के बाद आपको लगता है कि आपको मास्टर ट्रेडर लेना ना चाहिए, मास्टर ट्रेडर लेने से आपको फायदा होगा, तो विद इन 30 डेज अगर आप अपग्रेड करते हो अपने आपको मास्टर ट्रेडर में, तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है इस प्रोग्राम में, इन प्रोग्राम्स में, हम आपको मास्टर ट्रेडर में उसको रिइंबर्स कर देंगे। तो देखो कि ये December 20 का जो क्लोज हुआ था, यहां पर प्राइस यहां से ऊपर जाती है, एंड कैन यू जस्ट रिकॉल कि ये जो क्रैश हुआ है ये कौन सा क्रैश है, ये जो प्राइस जो नीचे एकदम थर्राके से नीचे आ रही है, ये फ्रेंड्स ये कोविड वाला क्रैश है, ये कोविड वाला क्रैश है। नाउ द ब्यूटी इज दिस कि यहां पर ये कोविड वाला जो क्रैश है वो क्लोजिंग बेसिस पे अपने ईयरली क्लोज पे आके रुकता है, अपने ईयरली लो पे आके रुकता है, राइट। और उसके बाद प्राइस यहां से वापस ऊपर की तरफ जाती है, अगेन इट कम्स डाउन एंड टेस्ट द लो ऑफ December 22, राइट। और उसके बाद ये ऊपर जाता है, देखिए, और उस दौरान जो जनवरी का हाई लेवल था, ये जनवरी का हाई लेवल था, जो जनवरी में जो हाई बनाया था वो ये लेवल था, प्राइस वापस नीचे आती है और जनवरी के हाई लेवल को तोड़ती है और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है, राइट। अभी यहां पर जनवरी में 22 पे जब जाएगा तो हम यहां पर हाई और लो लेवल बनाएंगे। तो लुक एट, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस साल का हाई और लो लेवल ले लिया, हम लोगों ने December 20 का लो लेवल ले लिया, हम लोगों ने January 21 का हाई लेवल ले लिया, राइट। पूरे एक साल के इंटरवल में हम लोगों ने ये पूरा ले लिया, ये डिफरेंस ले लिया। और उसके बाद आप देखो किस तरह से प्राइस यहां से ऊपर की तरफ गई। आपको ये पीपीटी चाहिए ना, तो आपको क्या करना है ना, देखिए बहुत एग्जॉस्टिव पीपीटी है, बहुत नॉलेज बेस के साथ इसे हम बनाते हैं। तो अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आपको ये वीडियो शेयर कर देनी है। कहां शेयर करोगे, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पे, लिंक्डइन में, ट्विटर पे, बहुत जगह आप हो, बहुत सारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में तो हो, गारंटी मुझे 100% पता है, वहां पर आपको ये वीडियो शेयर कर देनी है। और शेयर करके हमें एक स्क्रीनशॉट भेज देना है 9748173333, इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और कह दीजिए कि सर हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है। हमारा बंदा जो ये नंबर लेके बैठा है आपको या तो पीपीटी दे देगा या एक लिंक दे देगा जहां से आप ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड रखिए, अपने आप रखिए, जल्दी से शेयर करिए ना भाई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मॉर्निंग वॉक के ग्रुप में, किटी पार्टी के ग्रुप में, जिम के ग्रुप में, राइट, यहां पर भी है, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बस बता दीजिए हम लोगों की आपने शेयर कर दिया तो हम आपको ये पीपीटी दे देंगे। आगे देखिए, लुक एट द ब्यूटी, ये जो है दिसंबर का, लाइक ये January 23 का लो है, January 23 का लो है और यहां पर देखिए प्राइस जो आकर यहां पर वापस टच करती है ना, वापस ऊपर की तरफ जाती है, बहुत सुपरबली ऊपर की तरफ जा रही है।
तो यरली हाई लो विल ऑलवेज एक्ट एज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम एक काम करते हैं, हम सब चीज को एक साथ डालते हैं, लेट अस पुट एवरीथिंग टूगेदर एंड सी वेदर वी कैन क्रिएट सम स्ट्रेटेजी और नॉट, राइट। तो यहां पर देखिए, अच्छा अब उसके पहले मेरा दोस्त ये देखो, ये जो तरीका है ये हम लोगों ने यहां पर लाइन बनाई है, राइट। ये जो लाइन है ये आप ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आपको इंडिकेटर मिल जाएगा, वहां से आप ये लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हो अपने आप। तो मैं आपको इंडिकेटर दिखा देता हूं कि कौन सा इंडिकेटर ये है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये एक इंडिकेटर है, अगर आप टाइप करोगे ना वहां पर, यहां पर जाकर डी डब्ल्यू एम क्यू वाई, यहां पर आ जाओ और डी डब्ल्यू एम क्यू वाई, देखिए यहां पर ही आ गया है ना, डेली वीकली मंथली क्वार्टरली ईयरली ओपन प्राइस। तो आप इसको प्लॉट कर दो, तो ये जो ये इसको मैं हटा देता हूं एक बार, तो ये देखिए ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे ना, ये मैं डेली पे ले आता हूं। तो ये देखिए ये जो है ये क्वार्टरली, देखिए ये 2 जनवरी का प्राइस है, तो मतलब क्वार्टर एंड हुआ। तो अब ये जो लेवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह, अब यहां पर देखिए ये जो लेवल था ये अक्टूबर का, लाइक सितंबर पे एंड हुआ, सितंबर एंड हुआ, तो यहां पर ये जो लेवल है सितंबर एंड का ये क्वार्टरली लेवल बन गया। नाउ सी ये क्वार्टरली लेवल किस तरह से काम कर रहा है, प्राइस आती है इस क्वार्टरली लेवल पे सपोर्ट लेती है ऊपर की तरफ जाती है। अब वैसे यहां पर देखिए ये जो लेवल है ये क्या है, जून एंड का लेवल बन गया यहां पर ये। अभी देखिए प्राइस यहां पर आती है जून एंड के लेवल पर सपोर्ट लेती है, ये क्वार्टरली सपोर्ट किस तरह से काम कर रहा है। तो ये अब आपको ना ऑटोमेटिकली मिल गया, अब आपको ये ड्रॉ नहीं करना, आपको खोजना नहीं है, ये जो स्ट्रेट लाइन आपको जहां पर भी दिखेगी ना, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी जहां पर भी, वो आप समझ लेना कि ये क्वार्टरली लेवल है। अब यहां पर देखिए क्वार्टरली लेवल जब टूटता है, ये क्वार्टरली लेवल टूटा, राइट, ये क्वार्टरली लेवल टूट गया, तो क्वार्टरली लेवल टूट गया तो लुक एट द प्राइस, किस तरह से प्राइस जो है नीचे की तरफ गई है। ओके, तो ये है अपना क्वार्टरली जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं, अब मैं इसको हटा देता हूं, अब हम क्या है ईयरली हाई लो ड्रॉ कर रहे हैं, इस साल का हाई और इस साल का लो। तो आप यहां पर देखो ये जो लेवल था 4 जनवरी, राइट, 4 जनवरी ये इस साल का लो था। तो अब ये जो लो है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, मैं इसको लाइन खींच के रख देता हूं। और अभी तो ये ईयर चालू है, तो इस ईयर का मतलब अभी तक इसने हाई बनाया है, तो ये इस ईयर का हाई है, करंट ईयर का हाई यही है, तो अभी ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं। लेकिन यहां पर आप देखो, अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाता तो यहां पर आप देखो ये जो लेवल था ये जनवरी 23 का लो यहां पर बनाया प्राइस ने, और जनवरी 23 के लो को जो बनाया प्राइस ने, तो जनवरी 23 के लो के बाद आप देखो प्राइस जो है ये यहां पर देखिए ये जनवरी 23 था, यहां पर लुक एट दिस, मैं 52 वीक लो की बात नहीं कर रहा हूं, ये देखिए जनवरी 23 है, प्राइस यहां पर लो बनाती है, इस साल का लो यहां बनाए, इस साल का लो जो है वो यहां बनाए, उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है, और ये जो है जनवरी इस साल का हाई है, हाई इस साल का है। और आप देखो ये जो था वो पिछले साल का हाई था। अब आप इस लेवल को यूज कैसे करोगे, ध्यान से समझिए, जब तक ये हाई नहीं बना, एकदम ध्यान से समझिएगा, मजेदार चीज है, जब तक हाई नहीं बना ये वाला हाई तो ईयरली हाई था। अब मैं थोड़ा सा जो है बार को पीछे करता हूं, देखिए जब तक हाई नहीं बना, जब तक नया हाई नहीं बना, ये वाला हाई जो था वो हमारा ईयरली हाई था, क्योंकि पिछले साल का हाई यही है। तो हम जानते हैं कि ईयरली हाई जो होता है एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा, देखिए इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया भी, यहां पर देखिए प्राइस नीचे आई, यहां पर इस लेवल पे आकर वापस नीचे की तरफ गई। अब जब प्राइस इस लेवल पे अप्रोच करेगी, तो अब हमें देखना है कि प्राइस यहां पर करती क्या है, क्योंकि अब हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना लिया और हमने देखा कि प्राइस इस लेवल को तोड़ रही है, प्राइस जो है इस लेवल को तोड़ती है और तोड़ के ऊपर की तरफ अपनी मूवमेंट। और नाउ सी अब ये लेवल क्या तरह से काम आ रहा है, देखिए मेरे फ्रेंड्स ये चार्ट मैंने खुद नहीं बनाए हैं, ये मार्केट ने बनाए हैं, और मैं आपको सिर्फ फीचर बता रहा हूं। ये जो है ईयरली हाई था, ब्रेक होता है, ये जो अर्ली हाई एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, ये जो अर्ली हाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, अब ये जो अर्ली हाई है ईयरली का, ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, तोड़ता है सपोर्ट की तरह काम करता है। नाउ सीधा इंपॉर्टेंस ऑफ ईयरली हाई के सपोर्ट को, इंपॉर्टेंस को देख रहे हैं। नाउ एक मजेदार चीज, हम आप इन तीनों चीजों को साथ में लेके आते हैं,
हम इन तीनों चीजों को 60 में लेके आते हैं। अब ये जो लेवल है ये क्वार्टरली लेवल भी है, ये कुछ सेटिंग चेंज हो गए, क्वार्टरली ओपन। अब ये जो लेवल है ये यहां पर क्वार्टरली भी है, ईयरली भी है और एसआर फ्लिप भी है। तो आप देखिए ये लेवल टूटता है, टूट कर प्राइस इस लेवल पे आती है और प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। और ये जो ईयरली हाई लो है ना फ्रेंड्स, ये जो ईयरली हाई लो है ये भी आपको हाई लो ईयरली यहां पर मिल जाएगा। आपको यहां पर इंडिकेटर्स में आने हैं, आपको हाई लो, हाई लो ईयरली आप जैसे मारोगे यहां पर आपको ये मिल गया। देखिए ये रेपो 32 इनका ये इंडिकेटर बनाया हुआ है, हाई लो आपको मिल जाएगा। एंड आप तो नाउ इन लेवल्स पे आकर सिर्फ आपको वेट करना है कि किस तरह से आपको कॉन्फ्लुएंस मिले और किस तरह से आप अपने आप को प्लेस कर सको। देखिए ये वाला लेवल SCL टेक्नोलॉजी राइट, ये वाला जो लेवल था यहां पर, ये पिछले साल का हाई था, ये पिछले साल का हाई था, इस साल का यहां पर देखिए लो बनता है। प्राइस टूटती है अपने करंट ईयर के लो और अपने पिछले साल के हाई के ऊपर जाती है, सपोर्ट लेती है उसी लेवल पे। लुक एट द ब्यूटी, यहां पर ये उसी लेवल पर सपोर्ट लेती है, प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। आपको यहां पर अपने आप को प्लेस करना है। यहां पर देखिए एक फ्लैट बन रहा था, आपको अपने आप को इस लेवल पे प्लेस करना है और आपको ट्रेड लेना है। तो ये है हाई कन्विक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करने का फंडा। आप कैसे हाई कन्विक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे, तीन चार चीज हम लोगों ने यूज कर ली इसमें। राइट, यहां पर आप देखो ये ईयरली हाई था, ये जो है क्वार्टरली सपोर्ट है। राइट, और यहां पर देखिए ये अभी हीरो मोटर की बात कर रहे थे, यहां पर तोड़ के प्राइस जाती है। ये ईयरली लो जो है ब्लू कलर का डॉट आपको दिख रहा है, ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है एंड इट वेंट्स अप, ऊपर जाता है। तो ईयरली हाई, ईयरली लो, क्वार्टरली हाई, ईयरली क्लोज और एसआर फ्लिप, चार चीज हम लोगों ने यूज करी कन्विक्शन। ईयरली साइकिल्स हम यूज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है ये भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज आपको तुक्के में बता दी, इसके पीछे के रीजन भी हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर लिए। है कुछ नया सीखा? तो इसी के साथ फ्रेंड आज का एपिसोड एक खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, नएंगे करेंगे कुछ नया, देखेंगे कुछ नया। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत। और फ्रेंड्स ये नया फॉर्मेट आपको डिलीवरी का कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। हमें आपका आपके कमेंट्स का और आपके आंसर्स का वेट रहेगा। जय हिंद, जय भारत। स्टे सेफ, ट्रेड वेल।